भारतीय जनता पार्टी के लिए खैरागढ़ की बड़ी हार बड़ा संदेश है। पार्टी को सरकार के खिलाफ और जनता के समर्थन में मुद्दों की तलाश करनी होगी। खैरागढ़ में पार्टी प्रचारकों के पास मुद्दा नहीं था, सिर्फ सरकार की खिलाफत थी। परिणाम ने बता दिया कि वोटर्स आरोप प्रत्यारोप के प्रभाव में नहीं आएगा, उसे तो ठोस कुछ चाहिए, ऐसा कुछ जो सीधा उससे जुड़ा हो, समाज के हित में हो। नकारात्मकता को अब वह नकार रहे हैं। पार्टी को नए मुद्दे तलाशने ही होंगे जिसे लेकर वह 2023 विधानसभा चुनाव के पहले जनता के पास जा सके। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को अपने बड़े नेताओं के घटते प्रभाव को लेकर भी सोचना होगा। खैरागढ़ की इस जीत का श्रेय सभी खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को जिला बनाने के वादे को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐन चुनाव से पहले इसे जिला बनाने की घोषणा की, कहा कि 16 अप्रैल को कांग्रेस जीतेगी और 17 को जिला बना देंगे। यह मांग इस इलाके की पुरानी मांग थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यह वादा कर रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने लगा। अब सब कह रहे हैं कि इसी वादे ने चुनाव जिता दिया, लेकिन समझना होगा यह सिर्फ इस एक वादे से जीत नहीं मिली है, यह वादा करने वाले के विश्वास की जीत है। वोटर्स सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, वो यह मान रहे हैं कि सरकार मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं करते हैं। यह विश्वास ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे गोधन योजना, किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना जैसी योजनाओं से लोगों की जेब में जाता पैसा है। इसने भरोसा दिलाया है कि जिला भी बनेगा, मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो तहसील भी बनेगी, कॉलेज भी खुलेगा। यह जीत कांग्रेस सरकार की योजनाओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व को स्वीकारने का परिणाम भी है। उधर कांग्रेस इस परिणाम को अपनी योजनाओं और नेतृत्व की सफलता मान सकती है, लेकिन यह भी सच है कि हर बार जिले तहसील बनाने जैसे वादे तो नहीं कर सकती। कांग्रेस के सामने चुनौती है उसे जिला बनाने का लाभ अब यहाँ के लोगों को महसूस कराना होगा, साथ ही जो योजनाएं चल रही हैं वह कैसे और बेहतर तरीके से चलें, लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इस पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि योजनाओं की गड़बड़ी वोटर्स का विश्वास तोड़ेगी और फिर वोटर्स विकल्प तलाशने लगेंगे। कांग्रेस ने इस चुनाव को लेकर आत्मविश्वास इतना था कि पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम दिल्ली या बाहर से किसी बड़े लीडर को यहाँ नहीं बुलाएंगे, हमारे स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ में 6 दिन का कैंप किया, कई सभाएं रोड शो की। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस चुनाव को हल्के में लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री, नेताओं और करीब 40 विधायकों ने यहां के चुनाव की कमान संभाली थी। ऐसे में 20,000 से ज्यादा वोटों की यह जीत यहां नए कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।